हैव योर पाव भाजी ऑलवेज विद बटर एंड चटर मटर। पान की यहाँ की अच्छी आती है, अदरवाइज सोम तक जाते थे वालकेश्वर खाने के लिए। एक्सप्लोर में कलका के और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो लास्ट वीक मैंने आपको यहाँ पे जो अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट बुफे होता है ऐसे 199 में वो दिखाया था, एंड उसी दिन मुझे आपको बाकी की सारी चीज़ें भी दिखानी थी, बट क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैंने आपको उस दिन नहीं दिखा और मैं आपके लिए अलग एपिसोड शूट कर रही हूँ। सो यहाँ पे मिलती हैं ट्रेडिशनल गुजराती डिशेस ऑथेंटिक वाली, और कुछ मेन्यू ऐसा है ना जो आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा, जैसे कि उनकी जो ट्रेडिशनल पानकी होती है, पानोली, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी जो मैं पहली बार नाम सुन रही हूँ। और फिर कुछ पॉपुलर चीज़ें हैं जो इनकी पाव भाजी है, बास्केट चाट है, ये सब काफ़ी बेस्ट सेलिंग चीज़ें हैं यहाँ की, वो सारी दिखाऊंगी। तो मैं हूँ आज चटर पटर में और ये है विले पार्ले ईस्ट में, मेरे एग्जैक्टली सामने स्टेशन है, राइट में पार्लेश्वर मंदिर है। क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही है इसलिए मैं आज आपको अंदर खड़े होके ही दिखा रही हूँ, बट इसका गूगल लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। चलते हैं चटर मटर में और देखते हैं कि क्या क्या स्पेशल गुजराती डिशेस यहाँ पे मिलती है, एंड ऑल्सो अलॉन्ग विथ इट द बेस्ट सेलिंग डिशेज ऑफ दिस रेस्टोरेंट। आइए। नमस्ते जुगल जी, एक बार फिर आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सो लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट बुफे का, जो चटर पटर में रिसेंटली स्टार्ट हुआ है दशहरा के दिन से, आपने मिस किया तो मेरे चैनल पे देख सकते हो। सो यहाँ पे जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि गुजराती डिशेज बहुत पॉपुलर है एंड काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ें, चाट, मेन कोर्स, चाइनीज वगैरह भी मिलता है, तो इनसे जानते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या अवेलेबल है और क्या बेस्ट सेलिंग चीज़ें हैं। चटर पटर का हमारा कंसेप्ट है कि हम जो काफ़ी सारे ट्रेडिशनल डिशेज है, जैसे हमारे गुजरात के डिशेज है, पानकी है, पानोली है, जो बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है कि क्या है, जबकि ये बहुत हेल्दी एंड लाइट डिशेज है एंड ओवरऑल टेस्ट वाइज बहुत ही अच्छे है, तो ये हमें लोगों तक पहुंचाने हैं। सो ये है फोर टाइप्स ऑफ पान की जो मैंने अभी यहाँ पे मंगवाई है, और ओपन करने का तरीका कुछ अलग है, तो इन्होंने ओपन करके दिया, मैं सोचा मैं ट्राई करूँ बट थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो इनसे ही ओपन करवा लेते हैं। तो चलो मैंने सोचा मैं ट्राई कर लेती हूँ, से इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं लग रहा है, हो गया ये तो आराम से। तो पानकी क्योंकि इसको बनाना लीव्स में बनाया जाता है, तो दैट इज पान, एंड उसको स्टीम किया जाता है, मतलब डायरेक्टली स्टीमर की ज़रूरत नहीं होती, आप तवे पे बनाना लीव्स के अंदर रखते तो अपने आप स्टीम हो जाता है। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे इनका क्लासिक पानकी। सो जितना लाइट एंड यू नो एकदम सॉफ्ट ऐसे देखने में पता चल रहा है हाथ लगाने में, सो आई बिलीव खाने में भी वैसे ही होगा। एकदम लाइट हेल्दी ब्रेकफास्ट, चावल के आटे से बना होता है तो हेल्दी तो है ही, एंड जो चटनी है ना ये भी बहुत बढ़िया, पुदीने की चटनी है एंड पुदीने का एकदम स्ट्रॉन्ग यू नो प्रोमिनेंट फ्लेवर इसके अंदर आ रहा है। एंड नाउ द सेकेंड वन, दिस इज पिंक पानकी। सो पिंक कलर जो इसका आता है वो बीटरूट से आता है। सो दिस इज वन मोर थिंग कि जहाँ आप अगर बीटरूट खाना पसंद नहीं करते तो पानकी के साथ में खा सकते हो, बहुत बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि इसमें बीट डाला हुआ है। नेक्स्ट हम खाते हैं बेजल वाला पानकी। सो ये एक ऐसी चीज़ है ना सिर्फ चटर बटर में ही आपको मिलेगी, मैंने तो आज से पहले कभी नहीं खाई, पहली बार ही खा रही हूँ। वाओ, बेजल का एकदम स्ट्रॉन्ग फ्लेवर इसके अंदर आ रहा है एंड बहुत ही अच्छी से खुशबू भी आ रही है। सो नेक्स्ट विल ट्राई दिस पेरी पेरी पानकी। थोड़ा सा स्पाइसियर साइड पे, बस वही डिफरेंस है। सो दिस इज अ न्यू हेल्दी वाला चीज जो अभी तक हमको पता नहीं था। सो फॉर अ चेंज अच्छी लगी है, अलग से ट्रेडिशनल गुजराती डिश, मतलब ऐसे है ना कि इट्स अ परफेक्ट इवनिंग स्नैक आप बोल सकते हो, या यू नो थोड़ा सा लेट वाला जो ब्रेकफास्ट हम खाते हैं, वजला हैवी नहीं है ये, एकदम लाइट है एंड चटनी इतनी बढ़िया है ना कि हम साथ में जो ग्रीन चिलीज दी है वो खाना ही भूल गए। चाय की याद आ रही है इसके साथ। ये मिर्ची वाकई में बहुत अच्छी है, तो अगर आप आके पानकी ट्राई कर रहे हो ना तो इस मिर्ची के साथ में ज़रूर ट्राई करना। तो पानकी में आपको चीज़ वाली पानकी भी मिल जाएगी, काफ़ी अलग अलग तरह के यहाँ पे वैरायटीज़ है। पानोली एक चीज़ अगेन ट्रेडिशनल गुजराती डिश, फास्ट फूड है, चीला है, कॉम्बोज है, छोले भटूरे वगैरह, एंड थाली है जो मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। इसके अलावा आप मेन कोर्स में ना पनीर की सब्जी एंड रेगुलर जो सब्जी मिलती है, रोटी वगैरह, तंदूरी, वो ऑर्डर कर सकते हो। और यहाँ पे मुझे कुछ ट्रेडिशनल स्पेशल दिखाई दे रहा है,
रिंगन बटेटा नु शाक, तुरिया पत्रा नु शाक, गाठिया नु शाक। सो जैसे आपको बताया कि ट्रेडिशनल ऑथेंटिक गुजराती डिशेस के लिए चटर पटर बहुत पॉपुलर है, एंड उपवास के आइटम भी आपको मिल जाएंगे, साबुदाना खिचड़ी, फराली कचौरी एंड सिंघाड़े का हलवा एंड सो ऑन, पिज्ज़ा, पास्ता, चाइनीज राइस, नूडल्स, मल्टी क्यूजन है, काफ़ी सारे अलग अलग क्यूजींस मिल जाएंगे। तो चलो अभी ट्राई करते हैं स्पेशल गुजराती थाली। हमारा थाली का कंसेप्ट भी ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति अगर डेली भी खाए तो भी उसे अच्छा लगे। द काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स दैट वी यूज, ओके, जो हम क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं वो सब हम इस तरीके से रखते हैं कि किसी को कोई डेली भी खाना हो तो भी इट्स गुड फॉर द हेल्थ, नॉट अ प्रॉब्लम। बटर मिल्क टी है जो मैं पहले साइड में रख रही हूँ और स्टार्ट कर रही हूँ एक यूनिक चीज से, ये है स्वस्तिक प्लाजा। मतलब नाम ही पहली बार सुना, नाम सुन के ऐसा लग रहा है किसी बिल्डिंग का। चलो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर काफी सारे वेजिटेबल्स दिखाई दे रहे हैं मुझे और साथ में सर्व की है ग्रीन वाली चटनी। तो ये वही ग्रीन वाली चटनी है, कलर देख के मुझे पता चल रहा है जो पानी के साथ सर्व की थी और बहुत ही बढ़िया लगी थी मुझे। डिफरेंट चीज रहेगी हम, जो उसकी स्टफिंग है ना मिक्स वेज की ऐसी स्टफिंग लग रही है, बट इसमें भी बेसिल का टेस्ट आ रहा है, फ्लेवर आ रहा है अलग सा, उसकी वजह से ये अलग है। तो जैसे दिखने में यूनिक है ना, इसका टेस्ट भी यूनिक है। जब पानकी के साथ चटनी दी थी ना वो गार्लिक फ्लेवर की थी, और ये जो चटनी है ना ये रेगुलर फ्लेवर है, दो लुक्स में तो सेम ही लग रही है। सो नेक्स्ट अभी मैं ट्राई करती हूँ जो सब्जियाँ दी है मेन कोर्स में, एकदम सॉफ्ट फुल्का है, चार फुल्के दिए हुए हैं इन्होंने, और ये फर्स्ट सब्जी ट्राई करेंगे टिंडे की सब्जी है। सो दिस इज अ सब्जी विच इज एक्चुअली लाइट, घर में बनाई जाती है, रेस्टोरेंट में जल्दी से आपको दिखेगी नहीं, बट जैसे कि ये गुजराती ऑथेंटिक एंड ट्रेडिशनल डिशेस सर्व करते हैं, सो यहाँ पे ये होम स्टाइल वाली सब्जी भी दी हुई है। तो टेस्ट है होम स्टाइल नहीं है, थोड़ा सा रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट है, बता नहीं सब्जी थाली में मिलना है एक अलग एक्सपीरियंस है। सो नेक्स्ट इज दिस पनीर, फ्रेश है पनीर, एकदम सॉफ्ट है। अगेन जो थिक ग्रेवी होती है यूजुअली आप रेस्टोरेंट में खाओगे ना, तो उसी तरह की ग्रेवी है पनीर की। पनीर कढ़ाई ऑर्डर की है और दाल खिचड़ी ऑर्डर की है, विच इज़ टेस्ट वाइज ये काफ़ी अच्छी है, सोबर है एंड ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, हाइजीनली वो काफ़ी बेटर है। एंड दाल खिचड़ी इज़ ऑल्सो गुड, जो हमारे बच्चे हैं, छोटी सी बच्ची है, बेबी 2 ईयर्स की है, तो उन्होंने भी खाया है तो उनको भी अच्छा लगा। सो टेस्ट वाइज इट इज़ वेल एंड गुड। सैलेड में दिया है कुकुम्बर एंड कैरेट। कटोल में यहाँ पे मिलती है अखा मूंग। ये ऐसी लगती है ना मुझे घर में बनी हुई, उसे से मसाले वगैरह इसमें डाले हैं, मतलब चटपटा टेस्ट है इसका। वो गुजराती थाली होती है ना वो एक कठोर यानी कि लेंटिल्स या स्प्राउट्स की सब्जी उसमें होती ही है। तो ये हल्की सी ग्रेवी है, इसमें थिक मसाला है एंड उसके बाद में है दाल, तो दाल हम ट्राई करने वाले हैं चावल के साथ में। तो दिस इज अ कम्फर्ट फूड, राइस के ग्रेन्स लंबे यानी कि बासमती राइस यूज किया हुआ है एंड थिक दाल है, ऐसा नहीं है कि एकदम पतली वॉटरी दाल दी गई हो, दाल इज क्वाइट थिक। इसके बाद में ट्राई करते हैं गुजराती कढ़ी जो इन्होंने सर्व की है, इसे भी हम खाएंगे चावल के साथ में। यूजुअली आप कहीं ऐसे गुजराती थाली खाते हो ना तो कढ़ी खिचड़ी भी आपको सर्व की जाती है, बट यहाँ पे आपको चावल का ऑप्शन दिया हुआ है। ये जो कढ़ी है ना ये घर जैसी कढ़ी है, ना हल्की सी स्वीट, एकदम माइल्डली स्वीट, लौंग का फ्लेवर, कंसिस्टेंसी इज गुड, ना पतली ना गाढ़ी, एकदम सही है एंड दिस इज क्वाइट डिलीशियस। और लास्ट में ट्राई करने वाली है स्वीट जो रस मलाई है और देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है। वाव, एकदम थिक एंड क्रीमी मिल्क है इसका, और जो रस मलाई है ना इसकी ये एकदम सॉफ्ट है, तो पता चल रहा है एकदम फ्रेश है, तो सर स्वीटर साइड पे इट नॉट लेस स्वीट बट एकदम जैसे परफेक्ट स्वीट है ये। ये भी इन हाउस ही बनती है, जैसे इनके बाकी काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने बताया कि केक्स वगैरह ये यहीं पे बनाते हैं, तो रसमलाई भी इनकी इन हाउस है। आई एम अ फ्रीक्वेंट विजिटर एट चटर मटर एंड आई कैन से दैट विजिट चटर मटर
एंड हैव द टेस्टीएस्ट पाव भाजी विद बटर. इट्स वेरी ऑसम ऑल द डिशेज ओवर हियर. हमारे जो फास्ट फूड आइटम्स जैसे पाव भाजी है, छोले भटूरे है, कॉन्टिनेंटल पिज्जा है, ये सभी काफ़ी पॉपुलर है इस एरिया में. जो हमारे गेस्ट आते हैं वो काफ़ी तारीफ करते हैं, तो वो जरूर मैं रिकमेंड करूँगा वो ट्राई करूँगा. सर नेक्स्ट टाइम की पाव भाजी जो अगेन वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग डिशेज है यहाँ पे, एंड मैं बस थोड़ी सी साइड में ही लेने वाली हूँ. थोड़ा सा चॉप्ड अनियन उसमें डालूंगी एंड लेमन उसमें डालूंगी. एंड उसके बाद ये पाव देखिए, ये भी काफ़ी सॉफ्ट एंड बटरी पावज है, एकदम फ्रेश पाव है. सो लेट्स टेक अ बाइट ऑफ दिस डिलीशियस लुकिंग पाव भाजी. वाओ, दिस इज रियली यमी. टैंगीनेस स्पाइसीनेस का परफेक्ट बैलेंस है इस भाजी में. तो आप बोल सकते हो ना कि एनी स्ट्रेट साइड पाव भाजी जो आप खाते हो आपको पसंद आती है, बिल्कुल ये वैसी है. जो वेजेस है ये परफेक्टली मैश हो गए हैं इसमें बहुत बढ़िया से. एंड स्पेशली यहाँ के जो पाव है ना, ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे. सॉफ्ट बटरी पाव है और ये इन हाउस बनाते हैं पाव. जैसे इनके केक्स वगैरह है, इनकी जो बेकरी है वहीं पर ये पाव भी बनाते हैं. सो मैंने इनके एक अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट का वीडियो भी किया था लास्ट वीक, अगर आपने मिस किया तो ज़रूर देखना. उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इनकी बताई है एंड उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. नाउ लेट्स गो अहेड एंड ट्राई द चाट आइटम्स विच आर अगेन वेरी पॉपुलर. चाट में आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल? चाट हमारा स्पेशली लखनऊ ओरिएंटेड चाट है. हमारे जो मसाले हैं, जो चटनियाँ हैं, स्पेशली लखनऊ स्टाइल में जो पॉपुलर शेफ है हरदयाल मौर्या जी, तो उनके साथ हमारा टाइप है. तो जैसे हमारा बास्केट चाट जो सबसे पॉपुलर जो कहा जाता है वो एक हमारा हाईलाइट है. उसके अलावा पालक चटपटी और ये सब यूनिक डिशेज जो है जो कहीं आपको मिलेंगे नहीं. सो नेक्स्ट है ये बास्केट चाट, और देख के मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इसको मैं कैसे खाऊं, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफी कुछ खा लिया है. तो लखनऊ की फेमस चाट है ये और वहाँ के ही शेफ ने इस डिश को इन्वेंट किया है. तो ये हमको स्ट्रॉन्गली रेकमेंड किया था यहाँ के ओनर ने कि बास्केट चाट जरूर ट्राई करना, काफी दूर दूर से लोग आते हैं इसे खाने के लिए. एंड देखने से ही आपको पता लग जाएगा ना इतना मतलब हैवी, काफी सारा कुछ इसके अंदर डाला हुआ है. आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसी है. ये दही भल्ला इसके अंदर दिखाई दे रहा है मुझे, चटनीज है काफी सारी, छोले डाले हुए हैं, दो तरह की टिक्की है, आलू टिक्की है, मटर टिक्की है, मतलब काफी सारा इसके अंदर कुछ मेडली किया हुआ है. और इसे डाइजेस्ट करना बहुत आसान बात नहीं है. मुझे लगता है 3 लोग कम से कम चाहिए इसे खाने के लिए. और इसीलिए ना साथ में इन्होंने यहाँ पे हाजमोला की चटनी ये सर्व की हुई है. पहले इसके 2-3 bites लेती हूँ कि कैसी है. ओवरऑल जितनी फैंसी डिश दिख रही है और जितनी मेकिंग उसकी फैंसी है, तो टेस्ट में भी क्वाइट गुड. चटनी वगैरह सब कुछ अच्छी है. बट दिस इज लाइक, अगर आप चाट लवर हो और 2-3 लोग साथ में हो तो आप आके इसको ट्राई कर सकते हो. तो ये जो हाजमोला की चटनी है ना, ये खाके देखती हूँ. फर्स्ट टाइम सुना है आपने, सुना है कभी हाजमोला की चटनी, तो मुझे कॉमेंट्स में बताना. तो ये लखनऊ की स्पेशल रेसिपी है जैसे आपको उन्होंने बताया. और ये चटनी भी मुझे बहुत अच्छी लगी, इनफैक्ट इससे तो मुझे चटनी और भी ज्यादा अच्छी लग रही है. तो साथ में खाओगे तो उसका टेस्ट काफी एनहांस हो जाएगा. हमारा फालूदा भी अलग तरीके से बनाते हैं हम लोग, ताकि इसमें ज्यादा स्वीटनेस नहीं आना चाहिए. अच्छा, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब मैंने मंगवाया है फालूदा. और यहाँ पे आपको ना काफ़ी अलग अलग तरह के न्यूटेला एंड ब्लैक करंट एंड ठंडा, ये सारे फ्लेवर्स में मिल जाएंगे. बट मैंने मंगवाया है चटर पटर का स्पेशल फालूदा. और जैसे यूजुअली एक फालूदा दिखता है ना ड्राई फ्रूट्स वाला, जो रिच वाले फालूदा होते हैं, तो वैसा दिखाई दे रहा है. सब्जा काफ़ी सारा दिखाई दे रहा है. एंड जो फालूदा की सेव होती है वो भी अच्छी क्वान्टिटी में डाली है, कि कहीं कहीं पर ऐसा होता है ना कि वो एकदम मिनिमम, मतलब आपको ढूंढना पड़ेगा अंदर कि सेव कहाँ पर जा रही है एंड सब्जा कहाँ पर जा रहा है, तो वैसा नहीं है. फ्रेश फ्रूट्स भी है इसमें अलॉन्ग विद द ड्राई फ्रूट्स. तो फर्स्ट ही बाइट में ना ड्राई फ्रूट्स का क्रंच भी आया एंड एप्पल भी आया इसके अंदर. हैवी है क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें डाली हुई है. 2 लोगों तो आराम से शेयर कर सकते हो अपने मील के बाद में. जितना खाया खा सकती थी खा लिया एंड बाकी का सारा पार्सल करके लेके जा रही हूँ. आपने वीडियो एंजॉय किया होगा तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच ऑथेंटिक फूड वीडियोज. जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खाओ पियो एंजॉय करो.